इस वीडियो में प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते के लक्षणों के बारे में जानेंगे। 1. बेसल टेम्परेचर के बारे में। 2. मासिक चक्र के बारे में। 3. ओवुलेशन टेस्ट के बारे में। 4. वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। 5. शरीर में बदलाव के बारे में। 6. बच्चे का विकास के बारे में। 7. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। 8. डाइट में क्या खाना चाहिए। 9. टिप्स के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अक्सर प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह में जब कंसेप्शन शुरू होता है, बहुत ही कम लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि सभी महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ महिलाएं तीसरे सप्ताह तक कंसीव न करें, कुछ महिलाएं दूसरे सप्ताह के अंत तक प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। हालांकि दूसरा सप्ताह कंसीव करने के लिए सबसे सही समय होता है। अधिकतर महिलाएं मासिक चक्र के पहले दिन से 11 से 21 दिनों के बीच में कंसीव कर सकती हैं। नीचे बताए गए तरीकों से आप अपने ओवुलेशन का समय ट्रैक कर सकती हैं। बेसल टेम्परेचर मापने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवुलेशन के समय पर महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए अगर टेम्परेचर ज्यादा आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। मासिक चक्र आमतौर पर मासिक चक्र 28 से 32 दिनों का होता है, लेकिन हर महिला में इसमें भिन्नता आ सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट होने की सोच रही हैं, तो कुछ महीनों तक अपनी महावारी की डेट को ट्रैक करें। अपने ओवुलेशन का समय जानकर आप पता कर सकती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे सही समय क्या है। ओवुलेशन टेस्ट, आप यूरिन में विशेष हार्मोन की मौजूदगी चेक कर घर पर ही ओवुलेशन टेस्ट कर सकती हैं। ये टेस्ट ओवुलेशन की डेट के बारे में बताने में मदद करते हैं, जिससे आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। वजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव से आपको पता चल सकता है कि ओवुलेशन कब होता है। ओवुलेशन के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज चिपचिपा और साफ आता है। ओवुलेशन के बाद डिस्चार्ज झागदार हो जाता है। कुछ महिलाओं को ओवुलेशन के दौरान और इससे पहले यौन इच्छा महसूस होती है। आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट छूने पर दर्द हो सकती है, गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव और सूंघने की क्षमता बेहतर महसूस हो सकती है। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में महिला के शरीर में बदलाव तो होते हैं, पर यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होते हैं। दूसरे हफ्ते के दौरान तो पता ही नहीं चल पाता कि महिला गर्भवती है या नहीं। यह कुछ लक्षण जिनसे जाना जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। दूसरे सप्ताह में महिला के पेट में भ्रूण जीवन की शुरुआत हो जाती है। गर्भवती के पेट और हाथ पैरों में ऐंठन शुरू हो जाती है। हर समय थकान महसूस होने लगता है। बच्चेदानी का आकार बढ़ने से मूत्र थैली पर दबाव बढ़ता है, इससे बार बार पेशाब जाने की इच्छा पैदा होती है। हाथ पैरों में सूजन और बुखार बने रहना भी गर्भवती होने के लक्षणों में प्रमुख है। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लक्षण, शरीर में बदलाव। अभी गर्भावस्था के शुरुआती दिन है, आपको अपने ब्रेस्ट में भारीपन और दर्द महसूस होगा। पाचन कमजोर होगा, जिसकी वजह से गैस बनेगी। आपके शरीर का तापमान कुछ ज्यादा हो जाएगा। चीजों को सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। बच्चे का विकास, प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में निषेचित अंडे में विभाजन होता है। कोशिकाओं के इस गोले को विज्ञान की भाषा में ब्लास्टोसाइट कहते हैं। अभी भी आपका बच्चा महज़ कोशिकाओं की एक गेंद ही है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, पहले शुरुआती हफ्तों में बच्चे की कोई भी अल्ट्रासाउंड इमेज नहीं आती। डाइट में क्या खाना चाहिए। आपको कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हरी सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि पर्याप्त पोषण मिल सके। विटामिन सी वाले फल जरूर खाएं, ऐसा करने से मॉर्निंग सिकनेस में फायदा होगा। प्रेगनेंसी टिप्स, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नशे वगैरह से दूर रहें। डॉक्टर ने जो फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया है, उसे नियमित रूप से लेती रहें। तनाव से दूर रहें, हल्की फुल्की कसरत करें, लेकिन ज्यादा उछल कूद से बचें। अभी कहीं यात्रा न करें। प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक वीक बाय वीक वीडियो देखने के लिए चैनल प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। फिर मिलते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड वीक के वीडियो में।